हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पालक पकौड़ी। बहुत ही क्रिस्पी और गर्मा गर्म बन के रेडी होंगी। तो सारे सामान हमने यहाँ ले लिए हैं। देखिए, बेसन है, चावल का आटा है, पालक है, और खुशबू के लिए हमें हरा धनिया ले लेना है, अजवाइन और प्याज, हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमें एक बॉल ले लेना है और बॉल में हम डाल देंगे बेसन और चावल का आटा। चावल का आटा मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर पकौड़ियों में बहुत क्रिस्पन आता है। तो आप बिल्कुल आधी क्वांटिटी में, बेसन की आधी क्वांटिटी में चावल का आटा लें। अब इसमें मिला देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, अजवाइन एक टीस्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ पालक। तो पालक की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा ही लेना है। और हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटा हुआ। अब इसे चम्मच से हमें मिक्स कर देना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करना है ताकि बैटर एकदम पतला ना बने। हमें बैटर को इतना ही ठीक रखना है ताकि उसके बॉल अच्छे बन सके और ज़्यादा पतला ना हो सके। तो देखिए, हमने बैटर को भिगो लेना है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, और उसे रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट रखना है। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। और जब बनाना शुरू करना है तो उसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा 2 से 3 पिंच, और आपको हाथों से इस तरीके से मिक्स करके इसकी गोल गोल बॉल जैसे बना लेना, जैसे आकार के आप चाहे इसके पकोड़े बना सकते हैं। यहाँ पे पैन में तेल गर्म हो चुका है, तो गर्म तेल में हम इस तरीके से एक एक करके पालक के भजिए बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारी पकौड़ियाँ पैन में भर देना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देना है। आप उलट पलट कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी कच्चापन ना रहे और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। पालक की पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी होने के साथ काफ़ी हेल्दी होती है। अब देखिए, फ्राई हो चुकी है, काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। तो गर्मा गर्म इसे हम निकाल लेंगे और ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप चाहे तो हरी चटनी बना सकते हैं या टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी और हेल्दी सी पालक पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें हरा धनिया हमने मिलाया है तो उससे काफ़ी खुशबूदार पकौड़ियाँ बनी हैं। तो गाइस, आज की ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।